हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ES डिजिटल। मेरा नाम है शुभम शुक्ला और मैं हूँ आपका ट्यूटर फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा थोड़ा काफ़ी अच्छा खासा लंबा खासा कोर्स चलने वाला है। ठीक है, ये जो कोर्स होगा ये होगा फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। किन किन के लिए? इनके लिए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने क्या क्या हैं, पढ़ने क्या क्या वाले हैं, वो सब ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो सिलेबस, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग कॉलेजेस में ये लगभग थर्ड सेमेस्टर में करा दिया जाता है, क्योंकि ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? ये बेसिक सब्जेक्ट है। इस पर आगे जाने वाले और चीज़ें जो एप्लीकेशन पार्ट है वो इस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो ये कैसा सब्जेक्ट है? बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? फ्लूइड का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। फिर थोड़ा सा दो तीन बेसिक कंसेप्ट, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हर जगह जो चीजें यूज होने वाली हैं, जो हर जगह यूज होती रहेंगी फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्योंकि हमें फ्लूइड को पढ़ना है ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है तो उसकी प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए पहले, कि हम जो जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसके बेसिस पे तो हम उसको पढ़ेंगे आगे जाके। तो इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब हम जान गए, हमको पता चल गया कि भैया हम फ्लूइड को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पता कर ली जिनके बेसिस पे हम उसकी आगे की स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीजें सारी के सारी इसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद अब हमें फ्लूइड को पढ़ना है, तो अब हम क्या करते हैं कि उसको ना रेस्ट पे रखते हैं, उसको रेस्ट पे। किसी भी चीज की स्टडी करना सबसे आसान कब है? किसी भी चीज की स्टडी करना सबसे आसान तब है जब वो चीज रेस्ट पे हो। जब वो चीज किस पे हो? रेस्ट पे हो। तो यहाँ पे हम फ्लूइड स्टैटिक्स में जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तब वो कैसा बिहेवियर शो करेगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, स्टैटिक को पूरा पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे, ये थर्ड लिखा हुआ है फ्लूइड काइनेमैटिक्स। अब फ्लूइड काइनेमैटिक्स में स्टैटिक्स हमने पढ़ लिया, रेस्ट पे हम जान गए फ्लूइड क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या होता है उसके साथ। अब काइनेमैटिक्स का मतलब है कि फ्लूइड जब मोशन में आएगा या फ्लूइड मूव कर रहा है, तो जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसको उस वक्त पे उसकी स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मोशन के क्या क्या पैरामीटर होते हैं? मोशन का पैरामीटर होता है क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी लीनियर हो सकती है, एंगुलर हो सकती है। मोशन का पैरामीटर होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मेनली हम बात कर रहे होंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। अब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्यों आया पहले उसकी बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है, सिम्टम्स क्या है चीज के, सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो आ रही है वेलोसिटी, फ्लूइड मूव कर रहा है उसमें आ रही है वेलोसिटी, उसमें आ रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये काइनेमैटिक्स हम पता चल चुका, अब हम बात करेंगे डायनामिक्स की। अब आ जाते हैं डायनामिक्स पे। डायनामिक्स में बात करेंगे हैं क्योंकि वो जो मोशन है फ्लूइड में, जो मोशन है वो मोशन आ किसकी वजह से रहा है, जो वेलोसिटी आ रही है, जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ किसकी वजह से रहा है। तो वहां पे बात करेंगे हम डायनामिक्स में किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे होंगे किसकी? फोर्स की। अब हम यहाँ पे फ्लूइड के बारे में चीजें जान चुके हैं, बहुत सारी, पूरी नहीं, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे फ्लूइड के बारे में जान चुके हैं। अब हमारा जो होता है, हम क्या करते हैं फ्लूइड्स को हम यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब फ्लूइड्स को हम यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके थ्रू? पाइप्स के थ्रू। अब ये पार्ट जाता है कि फ्लूइड को भाई यहाँ से वहां लेके कैसे जाएं, और लेके अगर जाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या, किस किस तरीके से वो डिजाइन करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या लॉसेस होंगे, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा दो टाइप का फ्लो होता है, एक होता है लैमिनार, एक होता है टर्बुलेंट। तो ये लैमिनार और टर्बुलेंट पाइप फ्लो पढ़ेंगे, लैमिनार एंड टर्बुलेंट पाइप फ्लो पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है, ये एक अलग कंसेप्ट है जो कि बाउंड्री लेयर थ्योरी। इसका नाम है बाउंड्री लेयर थ्योरी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाउंड्री लेयर थ्योरी। उसके बाद ये पार्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं फ्लूइड मशीनरी, ये अलग से टॉपिक है पूरा का पूरा, इसको अलग से भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसी में कंटिन्यू करते हुए पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में कवर करेंगे। ये फ्लूइड मशीनरी, ये बेसिकली ये अप्लाइड पोर्शन है,
कैसा पोर्शन है? अप्लाइड पोर्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें पढ़ रहे हैं, एक टर्बाइन के बारे में, एक पंप्स के बारे में, एक टर्बाइन के बारे में, एक पंप्स के बारे में। टर्बाइन से हम क्या करेंगे, टर्बाइन से हम करेंगे फ्लूइड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट। फ्लूइड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट हम कर रहे होंगे इस पोर्शन में, और फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे हम इस पोर्शन में। समझ में आया? और ये आ जाता है एक और पार्ट, डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम वेरियस काइंड ऑफ रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशंस को हम स्टैब्लिश करेंगे वेरियस पैरामीटर्स के बीच में। किस वाले पोर्शन में? डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स का, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसको हम बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये बात तो हो गई सिलेबस की, अब बात करते हैं वेटेज का, कि भैया इसको हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है, कहाँ अप्लाई करना है, हमें कहाँ अप्लाई करना है, हमें तो पेपर में अप्लाई करना है ना, अरे हमें तो एग्जाम में अप्लाई करना है ना, अभी तो एग्जाम में अप्लाई करना है, तो एग्जाम में कहाँ अप्लाई करेंगे, कितना वेटेज है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो वेटेज, देखो एस एस सी जेई के प्रीलिम्स में इसका वेटेज रहता है लगभग 20-25 मार्क्स। ये वैरी करता रहता है, लेकिन इतना, लगभग इतना हर पेपर में आपको लगभग 20-25 मार्क्स का इसमें लगभग, सिविल इंजीनियरिंग में लगभग थोड़ा सा कभी कम भी चला जाता है थोड़ा और, लेकिन लगभग लगभग ये 20-25 मार्क्स का इसका रहता है वेटेज, किसमें? प्रीलिम्स में। ठीक है, अच्छा मेंस की बात करें तो मेंस में 60 मार्क्स फिक्स है, लगभग फिक्स है 60 मार्क्स। वो 60 मार्क्स फिक्स किस तरीके से, तो मेंस में आते हैं टोटल पांच क्वेश्चन, पांच सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और पांच क्वेश्चन के अंदर पांच में से एक क्वेश्चन रहता है फ्लूइड मैकेनिक्स से। अब वो एक क्वेश्चन के अंदर होते हैं चार पार्ट, और वो हर एक पार्ट होता है 15-15 नंबर का। तो ये मेंस में लगभग 15 × 60 मार्क्स का वेटेज रहेगा इसका मेंस में। उसके बाद बात कर लेते हैं गेट की, तो गेट में इस बार लगभग इसी रेंज में वैरी करता है 7-10 मार्क्स। ये मैकेनिक्स प्लस मशीनरी, पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 7-10 मार्क का वेटेज इसका गेट में रहता है। ESC के प्रीलिम्स में, ध्यान रखने वाली बात है, ESC के प्रीलिम्स में लगभग 15-20 मार्क्स का वेटेज इसका किस में रहता है? ESC के प्रीलिम्स में। थोड़ा वैरी भी कर सकता है, 20-25 भी हो सकता है, कभी-कभी 20-25 भी हो सकता है, लगभग इतना वैरी करता रहता है, ये लगभग यही रेंज रहेगी इसकी। और अदर स्टेट JEE और PSU, अदर स्टेट JEE और PSU में जैसे एग्जाम उतरते हैं, कोई स्टेट का JEE हो रहा है, किसी PSU ने अलग से एग्जाम कराया है, तो उसमें लगभग जितने टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स का लगभग 15-20% कवर करता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये टोटल फ्लूइड मैकेनिक्स इतना ये कवरेज इसका रखता है। तो ये सब्जेक्ट जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली इसको लेके जाएंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो अब इसके साथ ये आपको इसके बारे में थोड़ी एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि भैया सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसका वेटेज रहता है। तो इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स, किसके साथ? पहले चैप्टर के साथ, इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का।